शहीद भगत सिंह नौजवान सी, नौजवान होने करके उन्हें उन्नी मत नहीं सी हैगी। तुरे जांदे ने कोई कुत्ता वेला भौंकदा होवे ते असीं उतर के जवाब देने तुर पईए उन्होंने। धर्म तो बिना शहादत कादी है? देश लई कोई शहीदी नहीं। नहीं, देश लई कादी शहीदी हो सकदी? अहीं सिर वरत के इह फैसले ते पहुंचे हां वी सिर देण दी लोड़ है। उहो ही करूगा तत्तियां गल्लां जिहदे अंदर सच है, जिहदे हिरदे सच है। ते जे तुहानूं अज मेरी गल्लां तत्तियां लगदियां ते लगी जां। नौ महीनिया समा हो गया जी मोर्चा चलते नूं, पर इंसाफ हजे भी मिल रहा? नहीं, ये इदा इंसाफ नहीं मिलना। ये तो सिख कौम नूं लामबंद हो के संघर्ष वड्डे पद्धर ते लीकना पैना है, ते आप एक सराज स्थापित करना पैना है, क्योंकि बेअदबियां हुकूमत करा रही है। जालम कदे आप इंसाफ नहीं दिंदा हुंदा। हिंदुस्तान की हुकूमत किसी भुलेखे चो कम नहीं कर रही। गिण मिथ के सिखां दा खुरा कुछ मिटाउण लई सारा कुछ किया जा रहा, तो सिखां नूं इंसाफ की आस हुकूमत को नहीं रखनी चाहिए। अकाल पुरख के अगे अरदास बेनती करके संघर्ष विड़ना चाहिए। अकाल जैसे का बयान आता है कि संस्थावां ने सिर्फ गोलक लई लड़ रही ने, संस्था लई कोई नहीं लड़ रहा। नहीं देखो कहदा बयान आता? अकाल जैसे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। नहीं, गोलक लई तो देखो जिहड़े लड़दे ने लड़दे होण, सिख कौम लई लड़ना उन्हां दा फर्ज बनता, उन्होंने अगवाई करनी चाहिए संघर्ष की। अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने, तो वो सिर्फ बयाना तक सीमित ना रहन, संघर्ष की अगवाई करने चंगी गल। तुहाडी नियुक्ति नूं लैके विवाद खड़ा होया पै, दो धिरां बणियां पैया सोशल मीडिया के उपर, तुहानूं कोई वॉयस बिठा रहा है, कोई कह रहा है कि सब कुछ गलत तरीके नाल होया है। तुहानूं लगता भी जिहड़ी दूजी धिर है उहदा मैनूं जवाब देना चाहीदा? मैं तुहानूं सवाल नहीं, इल्जाम तो कल नूं इत्थों कोर्ट के मेरे ते ला दे इल्जाम, मैं जवाब दिंदा फिर लोगों के। सो इस करके सिख कौम के लोग, सिख कौम च KPS गिल वर्गे लोग भी होए आ, ये राह जिहड़े ते तुरे आ ना आपां। साडी मंजिल आजाद राज की प्राप्ति है। राज कोई तुरे जांदे ने कोई कुत्ता वेला भौंकदा होवे ते असीं उतर के जवाब देने तुर पईए उन्हां नूं। तुसीं भी सोचा करो भी किहदे गड़ी मैक करना, किहदे गड़ी नहीं करना। ये तुहाडे गड़ी भी होना चाहिए है, भी ये नहीं भी तुहानूं सवेरे इत्थों कोई फोन करे ते असीं मोदी के खिलाफ़ कोई बयान देना जा पड़ो कि नहीं जाते ना। उत्थे आपां जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी है इहदी सीरीयसनैस नूं मेनटेन करना मीडिया का भी फर्ज है। उत्थे जिहड़े इल्जाम लगे ने उन्हां ते काउंटर क्वेश्चन मीडिया ने किते नहीं है। ये हो सकता सी सारा कुछ, पर आपां देखो मैनू पता भी तुहाडा भी जिहड़ा कैपिटलिज्म दे नाल जुड़िया होण करके तुहानूं भी कंटेंट चाहिए चारे पासे। उन्होंने जवाब दिता फिर मैं दूंगा, फिर तुसीं उन्हां को जाओगे। ये काम आपां बंद करिए, आपां संघर्ष दे विच आ। तुहाडे साथी उन्हां दा जवाब दे रहे ना, सोशल मीडिया लड़ाई चल रही है। सोशल मीडिया ते चलण तों लड़ाई, मीडिया नूं एक सहिरद धिर वजों रोल अदा करना चाहिए। मीडिया सोशल मीडिया नहीं ना हैगा, तुसीं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो जो तुसीं सोशल मीडिया वांगू बिहेव नहीं करना, तुसीं करना है मीडिया दे वांगू बिहेव। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ? RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, RMB, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰੇ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਵਕਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਖਣੋ, ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਖਣੋ, ਵੀ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੌਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ? ਕੌਮ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦਾਰ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ? ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 84 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ
सारे ही संद मौजूद होन तुहाडे ते जुल्म करन लई उहदा मन भी बणिया होवे उहदे कोल फौजां भी होण सरकारां भी होण राज भी होवे उह फिर बहाने नहीं उहनां नूं लोड़ हुंदी कोई भी तुसीं कुछ करोगे ते फिर होऊगा उह जदों उहनां दा मूड बणिया होणा सिक्खां दी नसलकुशी करनी है सिक्खां नूं अगाह रहना चाहिए तैयार बर तैयार रहना चाहिए अपना बचा करना किसी भी किताब च नहीं लिखा माड़ा हिंदुस्तान का कानून भी कहता सैल्फ डिफेंस जोड़ा है वह जरूरी है सो इस करके सिखा अपनी अपन धियां भैन की पत पत की तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जी इज्जत है वनू मेनटेन करने वास्ते जो कदम चुकने चाहिए चुकने चाहिए पर इतने अपने बंद कुछ कह देंगे कि सिर देने की नहीं हूँ सिर वरतन की लड़ है जिन अं सिर वरत के यह फैसले पर पहुंचे हाँ भी सिर देने की लड़ है महाराज ने महाराज को सिर नहीं है वरतन महाराज ने सिर को मंगे सो ये जो लोग है ना जिन्हों का काम तर्क करना है रोज देना उन्होंने पूछो भी सिर वरतन का फैसला जोड़ा है ना वो सिर वरत्या सिर वरत के सिर जोड़ के बैठे हैं तो वो महाराज की बाणी भी जो आप पढ़ते हैं सिर वरत के पढ़ते हैं ना उस महाराज की कहें जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर धर तली गली मेरी आओ फिर सिर मंगते हैं शीस महाराज के चरणों भेट करना अपनी मत न त्याग के गुरु की मत न जुड़ना यो सिर वरतना यो सिर देना बहुत कह देंगे एक संतान ने भी तत्तियां गल्लां करके पिछले दिन चल हो कंट्रोवर्सी से पर उस भी बंदा कह रहा है कि एक बाबा होया उन्हें तत्तियां गल्लां करके मुंडे का घाण करवाया खालड़ा की रिपोर्ट तैयार हुई उस तो बाद बड़ा कुछ उन्हें जिक्र किया तत्तियां गल्लां दसते हैं देखो तत्तियां गल्लां जिहड़ियां ने सच ने हुण तुहाडे घर गड़ी कोई हमलावर हो के आ जाए तो तुहानूं कोई कवे भी भाई सिंघो तैयार हो जाओ तुहानूं लड़ना पैना है तो तुसीं अगले दे गल पै जाओ भी तत्तियां गल्लां करदे जाओ तो सच्चाई तो नहीं बदल जानी मैं ठंडी कर देना गल फिर सच्चाई बदल जाओ जो सिखां दी हालत है वह रहनी है सो तत्तियां गल्लां एक तो उन्होंने पुछा करो मौके पर कि बाबे का नाम लीते हो तुम कि हाँ जेड़े भी है उन्होंने पुछना चाहिए भी कि बाबे का नाम लेंदे जो तत्तियां गल्लां तो कलगीधर पातशाह ने कीतियां ने भगत कबीर ने तत्तियां गल्लां कीतियां ने गुरु नानक पातशाह ने ठंडियां गल्लां कीतियां ने कि बाबर नूं जाबर आख्या है गुरु गोबिंद गुरु अर्जन पातशाह ने तत्तियां गल्लां कीतियां ने गुरु हरगोबिंद पातशाह ने तत्तियां गल्लां कीतियां ने उदों भी सिख के कहिंदे सी भी ये छोटी उम्र का है अज ये कहिंदा भी हिंदुस्तान का राज मैं खत्म कर देना है तो इहनूं समझाओ बाबा बुढ़ा साहब को गए माता जी को गए ने लोग है सो इस करके तत्तियां गल्लां जिहड़ियां ने ना उहो ही करूगा तत्तियां गल्लां जिहदे अंदर सच है जिहदे हिरदे सच है तो जे तुहानूं अज मेरी गल्लां तत्तियां लगदियां तो लगी जाओ मैं तो सच बोलन दिया मैं को मसाला ला के बोलदा नहीं ना को बुलारा तो ना मैं को भाषण देने वाला जिहड़ी गल मेरे मन च है जिन्नी गुरु ने सोची बख्शी है मैं उन्ना बोलना है पर इत्थे दो तरह का दिमाग उदों हो जांदा जदों आप दे बंदे एक पासे हो जांदे ते अद्धे उस पासे खड़े हुंदे सिखां दे दो हिस्से बन जांदे एक कदे होया ही नहीं गा गुरु काल दे विच गुरु गद्दी दे बराबर गद्दियां ला के लोग बह गए महाराज रणजीत सिंह दा जदों मिसलां दा काल सी मिसलां कट्ठियां नहीं होईयां कदे भी महाराजा तगड़ा हो गया मसला आपे ना रल गईयां सो इस करके जदों आपां एकता दी बहुती उम्मीद करदे आ ना कुछ नहीं इन्हां लोकां दी सब दी सेवा लगी जे संघर्ष दे राह च ये लोग ना होण ते फिर संघर्ष कदा है जे गदार ना होण अपने आपा विरोधी लोग ना होण ते फिर संघर्ष कदा है अपना आपां गुलामी नाल लड़ रहे हैं गुलामी कली अपने संगलत नहीं ना मारे पैरों मानसिक गुलामी के शिकार ने लोग जिहड़े इहो जिहे सवाल करते हैं उन्होंने भी राज आपां लैणा क्योंकि उन्होंने इदा नहीं समझा सकते और राज दे आजादी पंछी जिहड़ा पिंजरे च होवे ना उन्होंने ऐ लगता भी उड़ना एक क्राइम है तो जिन्ना चिर उड़दा नहीं गा उन्ना चिर उन्होंने लगता ही नहीं गा वो दूजे नूं गालां कढ़ी जांदा हुंदा सो राज उन्हां वास्ते भी चाहिए है जिहड़े सानूं माड़ा कहिंदे ने राज उन्हां वास्ते भी चाहिए जिहड़े सानूं चंगा कहिंदे ने महाराजा रणजीत सिंह ने अकाल तख्त जथेदार ने तनखाइया करार दिता सी अज के समय जथेदार को शक्ति हैगी किसी कि वह तनखाइया करार देंगे जो सिख कौम के वड्डे आगू ने देखो अकाल तख्त साहब जी तो उन्नी शक्ति है जथेदार साहब जी कि सानू नहीं पता पहली गल तो अकाली फूला सिंह जेडे पदवी महाराज तो उपर रही है महाराजा उन्होंने अपॉइंट नहीं करता अकाली फौज सदा आजाद रही है अकाल के हुक्म चलती रही है सो अज जथेदार साहब वेख लैन भी उन्होंने को किन्नी क्षमता है जिन्होंने तलब करना कर लैन असी तो अकाल तख्त साहब के हुक्म च ही हाँ पर उन्होंने ना जिन्ना चर हुक्म अकाल तख्त साहब का हो ना कि किसी बंद का जोड़ा बंदा अकाल तख्त की रहनमई ना करे हमेशा सिंह मान के हक में खड़े नजर आने तुडे हक खड़े आने शहीद भगत सिंह की शहीदी किए देखते हो देखो शहीद भगत सिंह नौजवान से नौजवान होने करके उन्होंने उन्नी मत नहीं सी हैगी लैफ्ट ते कैपिटलिज्म दा जिहड़ा सारा रौला है इहनूं समझण लई बहुत लम्मा सानूं बैठना पैना है मैं बयान दे चुका है शहीद भगत सिंह जिहड़ा है वह इंडियन नैशनलिज्म दा सिंबल बन गया इंडियन नैशनलिज्म एक बोली एक देश उहदे ते शहीद भगत सिंह ने भी लिखिया भी एक बोली चाहीदी है गुरमुखी बोली का विरोध भी किया सो इस करके जिहड़े बंदे मेरी कंट्रोवर्सी चाहुंदे ने उन्हां वास्ते ते बहुत वधिया मसाला हो सकता है पर साडी सच्चाई है भी जे असीं अज संघर्ष करना है अज संघर्ष सानू संत जरनैल सिंह पिंडरालिया आदर्श मान के साढ़े सिख शहीदों आदर्श मान के करना पैना है शहीद भगत सिंह एक भटकिया नौजवान से
पर हाँ असी ये नहीं उन्हें माड़ा चंगा नहीं कहते पर यह साडा आदर्श नहीं बढ़ सकता। एक सवाल पैदा होंदा कि शहीद भगत सिंह की शहीदी जो कामरेड तो कैच कर गए पर सिखा ने कैच नहीं किया, सिखा के घर जन्म लैंदा है सिख सारा परिवार से सिखा ने उसनू कैच नहीं किया इस करके हुण गैस पैदा क्यों? परिवार उसका सिख नहीं सी हैगा, आरिया समाजी सन सारे आरिया समाजी जिहड़े सी उह सिखां दे विच उन्होंने कुछ भैट करके तो सिखी का बहुत कांड किया नुकसान किया। सो इस करके आप इतिहास में पढ़िए पहला जो यह मसले पर गल करनी है ना सानू पूरी जानकारी होनी चाहिए आ भी शहीद भगत सिंह ईवन इंडिया का संघर्ष भी नहीं लड़ रहा भारत की आजादी का नहीं वो लैफ्ट ते राइट का जो संघर्ष चल रहा है ना मौके पर मार्क्सिज्म दूजा तीजा ये उन्हां दी लड़ाई सी उन्हां दी सारी लिखतां पढ़ लो मौके दियां पर वो आम लोगों गल कर रहा है लोगों को आजाद करने गल कर रहा है कि हरेक नूं आजाद कराउण मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी लोगों को आजाद कराउण की गल नहीं करती वो एक स्टेट एस्टैबलिश करन की गल करती है जिथे लोग मजदूर बन जाण ते सत्ता जिहड़ी उह मालक बन जाए जमीना दे मालक भी स्टेट बन जाए ते लोग सारे मजदूर बन जाण। सो जिहड़ी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है मार्क कार्ल मार्क्स की कैपिटल कम्यूनिज़म की जिहड़ी आइडियोलॉजी है वो इत्थे नहीं सरवाइव कर सकती। शहीद भगत सिंह जिहड़ा सी वो उहदे ते रिहा है उस जिहड़े लोग नूं सैलीब्रेट करना चाहुंदे करी जाण पर सिखां नूं सैलीब्रेट नहीं करना चाहीदा। शहीद करतार सिंह सराभा शहीद नूं कैसे देखते हैं दोनों आपस जुड़े हुए ने? नहीं दोनों आपस नहीं जुड़े, बेशक भगत सिंह उन्हें अपना आइडल मानता सी शहीद करतार सिंह सराभा जिहड़े सन उन्हां दी शहीदी धर्म तो प्रेरित सी वो ऐसा राज स्थापित करना चाहते सी जिहड़ा अज असी करना चाहते हैं खालिस्तान के रूप में बेगमपुरे के रूप में करना चाहते सी खालसे राज के रूप में। इस करके जिहड़ी बब्बर अकाली मूवमेंट है जिहड़ी गदर पार्टी है गदर लहर है इन्हां दा जिहड़ा ज़्यादा झुका है सिक्खी दे वल सी इह धर्म तो प्रेरित होकर काम करते सी। भगत सिंह जिहड़ी पार्टी दे विच सी कम्यूनिस्ट पार्टी जिहड़ी सी उस मौके दी उस उहदे विच भगत सिंह कल्ला ही पंजाबी सी बाकी सारे बंगाल तो दूजे दूजे इलाकों के लोग सन है ना। सो आपां नूं इह समझना चाहिए भी जिहड़ी हिस्टोरिकली आपां जोड़ दिंदे आ चीज़ां नूं इह सही नहीं हैगा। ठीक है यही परिभाषा बनती है सिख कौम चो धर्म लड़ता कला शहीद उही होगा तो शहीदी तो है ही धर्म की गवाही शहादत जी है धर्म तो बिना शहादत कह दी है चढ़ाई करनगे ना फौजी फौजी के बजा मोदी के मोदी आप 100-100 गाला कढ़ते हैं फौज बड़ी महान है जी और अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं नहीं सुरक्षा मेरी गल सुनो ओ फौजा साडे तख्तां ते भी चढ़िया ने ना साडी कदी सुरक्षा की फौज ने साडियां धीआं भैणां दी बेपती भी तो की है ना दरबार साहब के अंदर। सो सानू ये ना सिखाया जाए भी फौज ने की किया असीं फौज के नौजवानों नाल जरूर स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्होंने मजबूरी है एक नौकरी पेशा करना पर घट्टो घट्ट उन्होंने भी लकीर खिंचनी चाहिए है भी जदों समा आउंदा तुहानू चोण करनी पैनी है भी गुरु चो तो इस देश चो तुहानू किहड़ा चुनना है ये देश वो है जिथे साडा कहानी होया अजे तक जे तो फौज नौजवान जिहड़े सिख नौजवान ने उन्होंने अपील भी यह है भी गुरु का हुक्म पछाणो जी बेशक तुहाडी मजबूरी तुसीं नौकरी करनी करो पर जो लकीर खिंचण दा समां तो लकीर खिंच लेनी चाहीदी है। पाकिस्तान चाचा जी लहर सी पगड़ी संभाल जट्टा उहनूं कैसे देखदे हो फिर? नहीं वो देखो उन्होंने लहरां कई चलाईयां ने उन्होंने सिक्खी नूं असिमिलेट करन वास्ते इत्थे पंजाबी तो दा नारा भी बुलंद किया गया है इत्थे होर भी नारे बुलंद किए जाणगे कोई जट्ट दा भी नारा बुलंद कर दूगा। अपना यह काम है भी सिक्खी दे विच जात पात सेकेंडरी है जात पात प्रमुख नहीं बन सकती कदे भी सिक्खी दे विच सारे नूं बराबर का दर्जा है किसी ना ऊंच नीच नहीं हो सकती पगड़ी सारे संभालनी है कल जट्टां ने नहीं संभालनी पगड़ी सारे संभालनी है रंगरेटे सिखा ने भी संभालनी है सारे ने रविदासी सिखा ने भी संभालनी जेड़ा भी सिख गुरु दे लड़ लगा उन्हें पगड़ी संभालने का हुक्म है कल जट्टां पगड़ी संभालने की लोड़ नहीं। गल वेख पिंड के गुरुद्वारे ने जात जो ग्रंथी ने छोटे जात तो आ रहे हैं जट जो कहते हैं अपने आप को है ना वो नहीं आ रहे इधर धर्मपति नहीं आ रहे हो अपने काम में लगे हुए ने। नहीं देखो असल च यह सच्चाई है भी जिहड़े कुलियाले ने उन्हां दा धर्म वल ज़्यादा झुकाव हुंदा है उन्ना ही वड्डे महलां नूं चैलेंज करना है उन्ना ही वड्डे तख्तां नूं हटाउणा है जदों सुख आराम जिंदगी च ज़्यादा आ जांदा है उदों बंदे धर्म दा चेता भुला के बह जांदे ने। यह नहीं गल हैगी भी जट नहीं आ रहे आउणगे सारे ही आउणगे बहुत जिहड़ी 84 दा संघर्ष है उहदे च बहुत नौजवान जमींदार घरां चों ही जिन्हां ने अगे दा के कुर्बानियां कीतियां समा आऊगा सारे ही मतलब धर्म दे राह ते तुरणगे। 84 तों बाद कौम च खड़ा है कोई कौम नूं आगू नहीं मिल रहा तां लगदा है कि तुसीं उह कमी पूरी करोगे? देखो ये कोई दावा आप नहीं बंदा करदा हुंदा आगू बहुत मिले ने कौम नूं आगू दा फर्ज इह हुंदा है भी राह ते तुरना ते संगतां नूं नाल तुरना है ते जे कौम आगू नूं प्रवान करदी हुंदी है ये मैं दावा करी जावां मैं आगू हाँ जो कोई फलाना होर दावा करी जावे आगू इको जिहे हुंदे आ जिहड़ा भी धर्म के राह ते तुर के गल करदा आजादी की कौम नूं तां साथ देना चाहीदा है।